आमतौर पे पुलिस के बारे में लोगों का ये इम्प्रेशन होता है कि पुलिस या तो चालान काटने के लिए या लोगों के ऊपर रोब झाड़ने के लिए या फिर उनको कोई ना कोई ट्रबल्स देने के लिए, लेकिन पुलिस का एक सबसे बड़ा अहम रोल ये भी है कि पुलिस लोगों के घर बचाने के लिए भी है, उजड़े हुए घरों को बसाने के लिए भी है। ऐसा ही आज हम यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं लुधियाना में जो वुमन सेल है वहाँ पे उसके हेड ACP साहब रणधीर सिंह जी के पास, जो यहाँ पर बहुत से टूटते हुए घरों को बचा रहे हैं और जिन घरों में दरारें पड़ रही हैं, पति पत्नी के आपस में अनबन हो रही है, तलाक होने की नौबत हो रही है, तो उनको भी समझाकर काउंसलिंग करके उनके परिवारों को बसा रहे हैं। तो रणधीर जी, न्यूज़ DNN की तरफ से आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। तो सर आप बताइए कि आप हालांकि लुधियाना के बहुत से थानों में पहले SHO भी रह चुके हैं और लोगों के दिलों पे आपने राज किया है, और अब जो ताज़ा स्थिति है उसके मुताबिक आपसे जानना चाहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में अभी आप आए हैं तो यहाँ पर मेन क्या क्या कार्य आप करते हैं? जहाँ पे हम जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस ज़्यादातर होते हैं, जो जिनकी वजह से घरों में दरारें पड़ती हैं, घर टूटते हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको काउंसलिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि दुनिया में जो हम सोचते हैं सब कुछ वही सही नहीं होता, उसके बिना भी हमें ग्राउंड पे रहकर भी जीना पड़ता है। उनको उस लेवल पे उनका मेंटली उनको प्रिपेयर करके उनको एक नया मोड देते हैं उनकी लाइफ को। और बहुत लोग हैं, नियर अबाउट हमारे 95% लोग हैं जो यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं और दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करते हैं। सर अभी कुछ और सवाल भी आपसे करेंगे, कुछ और जानकारियाँ भी लेंगे, पहले चलते हैं न्यूज़ DNN के दर्शकों को आपका डिपार्टमेंट सारा दिखा दें कि किस तरह से वहाँ पर कार्य प्रणाली हो रही है और कैसे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की जा रही है। थोड़ा बच्चा 5 साल के साल तो उन्होंने पता नहीं हूँ कि किसी चक या की है। कितनी देर होगी मैरिज? 18 साल हो। 18 साल हो? हाँ जी। 1999 में मैरिज करती हो? लोकली मैं पहला प्राइवेट जॉब करता थी तो फिर मेन थे फोकल पॉइंट, फिर मेरी लक्ष प्रॉब्लम आ गई, मैं ना फोन जाम लिया सर। 1.5 साल मैं कुछ नहीं किया ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। आपने देखा कि कितना मुश्किल है, दो परिवारों में जब दरार होती है तो उसको भरने के लिए और उनको समझाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है। तो ACP साहब रणधीर सिंह जी की पूरी टीम किस तरह से अपने काम में डटी हुई है अपने डिपार्टमेंट में। ACP साहब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर क्या वजह होती है कि पति पत्नी के बीच में दरार होती है, उस ससुराल में जाने के बाद लड़की को प्रॉब्लम्स फेस होनी शुरू हो जाती हैं? आपकी बात से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असल में ये सेल फोन में कैसे आया। 2001 में यहाँ पे जब डोमेस्टिक वायलेंस के केस आने लगे तो पहले ये होता था कि पुलिस FIR लॉन्च करती थी, उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन होती थी, जिसकी वजह से जो FIR लॉन्च होने से ना दोनों परिवारों में दरारें बढ़ती चली जाती। उसके बाद उस वक्त के ऑफिसर थे जो हरप्रीत सिंह सिद्धू IPS जो अब ADGP हैं,
हमारी जो जो नशा रोकू मुहिम है उसका चार उनके पास है, सिट बनी हुई है, तो उन्होंने ये सेल होंद में वो लेकर है। यहाँ पर लुधियाना में से बहुत लोगों को 30-35 लोग सिलेक्ट किए गए थे जो एजुकेटेड थे, जो काउंसलेट बन सकते थे, जो काउंसलिंग करते थे उन लोगों के, इन लोगों को जो कंप्लेनेंट हैं, जो उनके हस्बैंड हैं लड़कियों के, ये उनको ये बता सकें कि जो आप ख्वाबों की दुनिया देखते हो, जिंदगी में को जीने के लिए उससे जुदा होकर सेपरेट होकर चलना पड़ता है, तो उनको उस लेवल पे लाने के लिए उसके, तो ये सेल होंद में आया। उसके बाद इस सेल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो तब से ये सेल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ से तकरीबन 95 से लेकर 98% लोग हैं सेटिस्फाइड जाते हैं, और हमें भी खुशी होती है जब दो घर जो कोर्ट में आगे एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होते हैं तो वापस वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे पहुंचते हैं, तो कभी कभी सोचते हैं कि पुलिस ने भी कोई अच्छा काम किया है। हालांकि पुलिस बहुत अच्छे काम कीते करती है जो दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन जो दिखाई देता है उन लोगों को वो उनमें से ये एक है। सर जैसे आप इस डिपार्टमेंट में बहुत ही एक बड़ी टीम के साथ लोगों का एक बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर आजकल वजह क्या हो जाती है कि क्या ये जो सोशल साइट्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है या मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये भी कारण बनते हैं पति पत्नी का एक दूसरे के ऊपर शक करने का, या इसके कारण भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ जी, एक वजह ये भी है, किसी एक वजह को हम ये ब्लेम नहीं कर सकते, कई वजह हमारे पास यहाँ पे लोग आते हैं कि असल में तो जो फैमिली टूट रही है उनका सबसे बड़ी कारण एक तो जो कहीं ना कहीं पे एजुकेशन आ रही है, जो जो लोग अपने हकों के बारे में लड़कियाँ अपने जो पहले लड़कियाँ थी जो उनको कुछ बोल देता था, कोई कुछ कह देता था, वो खामोश होकर सहन कर लेती थी, अब वो बात नहीं है, अब उनको अब पता है कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो बात घर में नहीं रहती, वो वहाँ से निकल कर हमारे पास आ जाती। दूसरा मीडिया है, जो फ़ोन है, आज घर में क्या पक रहा है, क्या बन रहा है, दिन कैसे गुजरा है, ये सब कुछ लड़की को, उसके लड़की के घर से उसके पेरेंट्स को सब कुछ मालूम होता है। अपने अपने घर में बहुत बातें होती हैं, लेकिन ये बातें जब बाहर निकल जाती हैं, लड़की अपने मायके में कितना भी कुछ कैसे भी रही हो, लेकिन घर में ससुराल के घर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो सहन करना मुश्किल हो जाता है, उनके पेरेंट्स को भी मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, एक आजकल की लड़की है, एजुकेटेड लड़की है, वो जो लड़के होते हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, स्पेंड करते हैं अपने आप को, और लड़की होती है उसको घर की चारदीवारी में रहना पड़ता है। एजुकेशन आ गई है उसको, लेकिन हमारे ये हमारी सोसाइटी ने अभी तक ये अलाउ नहीं किया कि वो भी कहीं किसी को, चार आदमी को, चार लड़कियों को मिल सके, बात कर सके, कुछ अपने आप को जो उसकी फीलिंग है शेयर कर सके। लड़का दुखी होकर, थक होकर काम करके शाम को आता है, वो लड़की उससे आशा करती है कि ये मेरे साथ वैसे ही ट्रीट करे जैसे वो सोच रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है उस वक्त, वो उसका उस हालात में नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी बातों से वो आजकल लोग संस्कृत बहुत हो गए, छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में प्रॉब्लम करती हैं, तो इसलिए। सेकंडली, ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी आती हैं कि हम लड़कियों को उसके जब कॉलेज में पढ़ती हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनको ये बताते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, आपने लाइफ में आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ ये ऐसा करता है तो उसको कैसे रिप्लाई देना है, लॉ क्या कहता है आपके बारे में, आप हमें साथ साथ उनको ये भी बताना चाहिए, ये भी समझाना चाहिए कि सोसाइटी में, सोसाइटी को चलाने के लिए 100% हम पुलिस वाले हैं, अगर 100% लोगों के चलान शुरू कर दें तो शाम को ये शहर में चौक हो जाएगा, शहर जाम लग जाएगा, तो देखना पड़ेगा उनको भी कि ये जो हम अपने अधिकारों की बातों कर रहे हैं, इनके लिए हमारी कुछ कर्तव्य भी हैं, हम सोसाइटी में रहना है, हम सोसाइटी को आगे लेकर जाना है, तो इसके लिए भी उनको थोड़ी सी एजुकेशन
देनी चाहिए हमें, इसके लिए उनके पेरेंट्स की माँ की जिम्मेवारी बनती है कि उसको बेटा जो सपने हम टीवी में फिल्मों में देखते हैं, जो ये पिक्चराइजेशन की बात है, जहाँ पे मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि एक लड़की एजुकेटेड लड़की बैठी थी नाल, उसके हस्बैंड भी दोनों ही सरकारी जॉब पर थे, तो उसने बोला, मैंने कहा आप जाओ अब देखो नई फिल्म लगी है बाबू को, जाओ दोनों जाकर देख कर थोड़ा अपने आप को चेंज करो। तो वो लड़की का जवाब था मैंने देख लिया, और कहाँ बाहुबली कहाँ जिए, उसका जवाब था अपने हस्बैंड के बारे में। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, वो बोली कि उसने अपनी जो जिस लड़के ने उसकी तरफ देखा अपनी माँ की नहीं सुनी, उसका गला काट दिया। मैंने उसको बताया अभी बेटा ये सभी बातें हैं जो ये थिएटर तक सीमित है, टीवी पर सीमित, जो हम टीवी देखते हैं थिएटर देखते हैं वो सीखते हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारा जो साथी हो वो वैसा ही हो, लेकिन असल में ये बात नहीं होती। जो टीवी में सीरियल में काम करते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, वो भी असल में ऐसे नहीं है। ये बातें सब उनके दिमाग में डालनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, तो जाकर वो नॉर्मल होते हैं। फिर उसके बाद उनकी हम वीक में एक दो उनकी सिटिंग लेते हैं, उनको जो उनके दिमाग में ख्याल पड़े होते हैं, जो उन्होंने सोच रखा होता है किसी और, उनको बताते हैं कि असल में आपका नज़रिया गलत है, आपको जहाँ रहना है वो ये स्टेज है, वो ये ग्राउंड है, तो वहाँ पर उनको लाना पड़ता है। फिर जब वहाँ पर आ जाते हैं उनको, तो जाकर फिर वापस उनका जैसे आर्मी में होता है, फोर्सों में होता है कि पहले इंसान की पर्सनैलिटी ख़त्म की जाती है, फिर दोबारा डेवलप की जाती है। कोशिश करते हैं जो पहला जो सिस्टम है उनका सारा जो रिलेशन में ख़त्म, उसके बाद उनके रिलेशन दोबारा डेवलप हो, तो काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। एसीपी साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपके डिपार्टमेंट में कितने केसेस जो हैं वो सॉल्व किए गए हैं, कितने पेंडिंग है, और कितने लोगों के घर आपने अपने प्रयासों से अपनी टीम के साथ बचा दिए हैं। जहाँ जो हमारा रिकॉर्ड बोलता है हम उसकी बात करते हैं, जहाँ पे जब से ये सेल होंद में आया है तब से जहाँ पर हमारे पास 36,830 एप्लीकेशन आई है, जिसमें से हमने 35,960 के नियर अबाउट हमने डिस्पोज कर दिए हैं, और इनमें सबसे हमें खुशी की बात ये, खुश होकर ये कहना पड़ता है कि इनमें से हमारा जो घर बसाने की परसेंटेज है वो 97% के बराबर। क्या बात, और कुछ हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, और 2-3% हैं जिनके जिनमें हमें FIR के साथ चलना पड़ता है जी। तो और जो जिनको हमने जिनका घर हमने जो घर में रह रहे हैं उनको हम कुछ बैकअप लेते हैं उनकी, कि वो ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है। एक मंथ के बाद उनको फ़ोन करना, 2 मंथ के बाद फ़ोन करना भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बात करते हैं तो, और मैं समझता हूँ वे बहुत अच्छा हो रहा है जो भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने जैसे एसीपी साहब रणधीर सिंह जी से बात की, जो यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के चीफ हैं लुधियाना में, और वाकई ये देखकर पता चलता है कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सोशल एनजीओज हैं, उन सभी से ज़्यादा बढ़िया और सभी से ज़्यादा बड़ा काम तो पुलिस ही कर रही है। एसीपी साहब का डिपार्टमेंट वाकई एक प्रेजेबल काम कर रहा है, तारीफ़ के काबिल काम कर रहा है, क्योंकि टूटते हुए घरों को बचाना सबसे बड़ा काम है। एसीपी साहब, हमारे चैनल की सभी दर्शकों की आपके साथ शुभकामनाएं हैं, इसी तरह आप लोगों के घरों को बचाते रहिए, उनकी दुआएं हासिल करते रहिए, और ऐसे कामों से निश्चित रूप में पुलिस का नाम मान सम्मान बहुत ऊंचा होता है, और लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास जागता है, प्यार बढ़ता है, आपस में पुलिस और पब्लिक का एक दोस्ताना ताल्लुकात और ज़्यादा मजबूत होता है। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी को हमारी बात हर घर तक पहुंचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में ही मैं ये इल्तिजा करता हूं कि जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं या ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सोसाइटी को संभालना, बर्बाद करना, उसमें हम
हर एक इंसान का एक बराबर का हिस्सा है। अगर हम थोड़ी थोड़ी हमारी जिम्मेवारी समझें, उस तरफ चलें, अपने बच्चों को थोड़ी सी सही एजुकेशन दें, उनके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करें। आज हालात ये है कि बीवी एक रूम में टीवी देख रही है, हस्बैंड दूसरे रूम में टीवी देख रहा है, बच्चे तीसरे रूम में लैपटॉप लेके बैठे हैं। तो जिस इससे ऊपर उठकर थोड़ा सा टाइम एक परिवार बनाए आप, अगर आप परिवार बनाने में कामयाब हो रहे तो आपके बच्चे का, आपके बीवी का, किसी का भी घर कभी नहीं टूटेगा। जी मेरा आपसे बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके विचार वाकई बहुत अनमोल है, और इस तरह से अगर लोग चलेंगे तो उनके घर भी बचेंगे, उनमें प्यार भी बना रहेगा और पारिवारिक सिस्टम हिंदुस्तान का बहुत बढ़िया होएगा। सर एक बार फिर से हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, एक बार फिर मिलेंगे एक नई आशा के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, फिर ACP साहब के साथ मिलकर हम एक योजना बनाएंगे कि जितनी भी कॉलेज गोइंग बच्चियाँ हैं उनके कॉलेजेस में हम सेमिनार करें इसी विषय को लेकर, ताकि आने वाले समय में उनके परिवारों को संभाला जा सके और टूटने से बचाया जा सके। विकास भामरी के साथ सुखमिंदर सिंह, न्यूज़ DNN लुधियाना।